नमस्कार दोस्तों, राज्यसभा के चुनावों का ये जो पांचवा एपिसोड है हमारा, इसमें आज बात करेंगे दोस्तों कांग्रेस के बारे में। सबसे बड़ा विरोधी दल है और राज्यसभा में अभी भी कांग्रेस की आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद है। उसके सदस्यों की संख्या ठीक ठाक है और किसी भी बिल को अगर अटकाना हो तो कांग्रेस आसानी से राज्यसभा में अटका सकती है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ये लगातार प्रयास करती रहती है कि राज्यसभा में किस तरीके से बहुमत हासिल किया जाए। और इस साल होने वाले चुनाव में शायद हो सकता है कि उन्हें बहुमत के काफ़ी करीब पहुंचने का मौका मिल भी जाए। लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे सीटों के चुनाव होने के बाद भी कांग्रेस यहाँ राज्यसभा में स्ट्रॉन्ग पोजिशन में बनी रहेगी। कांग्रेस ने पिछले दो साल में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, इन स्टेट्स में सत्ता में वापसी की है। और अगर उसने कुछ लूज़ किया है तो वो सिर्फ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय और असम है। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण स्टेट्स में कांग्रेस ने वापसी की है और वो बड़ी स्ट्रॉन्गली सामने आई है। और हो सकता है कि इन स्टेट्स की वजह से उसका अच्छा खासा हिसाब, अच्छा खासा दखल अभी भी राज्यसभा में बना रहे। देखिए, बात करेंगे राजस्थान की। जैसे कि आपने चर्चा सुनी होगी कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने की बात चल रही है। 2019 में उन्हें ईस्ट यूपी का प्रभारी बनाया गया था और उसी के बाद से प्रियंका गांधी सही मायनों में एक्टिव हुई हैं राजनीति में। और पार्टी ये चाह रही है कि प्रियंका गांधी को किसी सदन का मेंबर बनाया जाए। लोकसभा में राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, लेकिन राज्यसभा में कोई यंग फेस, कोई ऐसा फेस पार्टी के पास नहीं है जो प्रोमिनेंटली उभर कर सामने आए। गुलाम नबी आज़ाद विपक्ष के नेता ज़रूर हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा बड़ा फेस नहीं है जो अपनी आवाज़ को ज़ोरदार तरीके से उठा सके। यही वजह है कि कांग्रेस प्रयास कर रही है कि ना सिर्फ प्रियंका गांधी को बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, RPN सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन लोगों को भी किसी तरीके से राज्यसभा में पहुंचाया जाए। और इन्हें राज्यसभा पहुंचाने के लिए जो सबसे अहम स्टेट हैं कांग्रेस के, वो हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि प्रियंका गांधी राजस्थान से चली जाएं राज्यसभा में, जिससे कि पार्टी में उनका दबदबा बना रहे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और बाकी पार्टी के सदस्य चाहते हैं कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश से जाएं। हालांकि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लाइन में हैं। बहरहाल, देखते हैं कि इन स्टेट्स की कांग्रेस की पोजीशन क्या है। पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में कुल 200 विधायक होते हैं, जो टोटल स्ट्रेंथ है वहाँ की। इसमें कांग्रेस के 100 विधायक हैं, बीजेपी के 73, बसपा के 6, निर्दलीय 13 और अन्य 8 हैं। और यहाँ पर अगर वोट वैल्यू निकाली जाए, जैसे कि मैंने फार्मूला अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया है कि टोटल विधायकों की संख्या को खाली हो रही सीटों में प्लस 1 करके उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो फार्मूला निकला है दोस्तों, 51 वोट्स का निकला है। यानी कि एक राज्यसभा सीट जिस पार्टी को जीतनी है उसके पास 51 वोट होने ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर सीटें खाली होने जा रही हैं, 3 सीटें, उनमें से 2 निश्चित रूप से कांग्रेस को जाएंगी और 1 बीजेपी को जा सकती है। यहाँ पर जो स्थिति है, जो सीटें यहाँ पर खाली हो रही हैं, वो बीजेपी की विजय गोयल हैं और बीजेपी के राम नारायण डूडी हैं और बीजेपी के ही नारायण लाल पंचारिया हैं। यानी कि तीनों की तीनों सीटें बीजेपी के पास है। और अब चूंकि कांग्रेस सत्ता में आ चुकी है, यहाँ पर 100 विधायक हैं उसके, तो निश्चित मानिए कि 2 सीटें कम से कम कांग्रेस के खाते में जाएंगी और 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। तो इस लिहाज से अशोक गहलोत और राजस्थान के दूसरे नेता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी राजस्थान को चूज़ करें और राज्यसभा में वो चली जाएं। दूसरी ओर अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कुल 230 विधायक हैं, 114 कांग्रेस के हैं, बीजेपी के 109 हैं, सपा बसपा के 3 हैं, अन्य 4 हैं।
और यहाँ पर जो वोट वैल्यू निकल कर आती है एक राज्यसभा सीट की वो है 58, यानी कि 58 सदस्य जिसके समर्थन में वोट करेंगे राज्यसभा सीट उसे मिल जाएगी। और जो तीन सीटें यहाँ पर 9 अप्रैल को खाली हो रही हैं, 9 अप्रैल को ही राजस्थान की भी तीनों सीटें खाली हो रही हैं, यहाँ की जो तीनों सीटें हैं इनमें बीजेपी के डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, बीजेपी के ही प्रभात झा और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भोपाल से साध्वी प्रज्ञा के सामने लोकसभा का चुनाव लड़े थे पिछले साल लेकिन हार गए थे। और अब मुझे लगता है कि शायद इस बार दिग्विजय सिंह का पत्ता कट सकता है। कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ से भेजा जाए उच्च सदन में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया वैसे भी यहाँ पर कमलनाथ सरकार से नाराज चल रहे हैं, उनकी खटपट चल रही है। आप मीडिया के माध्यम से देखते रहते होंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार डावाडोल चल रही है और बिल्कुल किनारे पर चल रही है। जैसे कि आपने देखा कि 114 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 109 बीजेपी के पास हैं, तो बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन 15 साल के बाद कांग्रेस यहाँ सत्ता में लौटी है तो कांग्रेस यहाँ पर सरकार तो नहीं गिरवाएगी और किसी तरीके से पार्टी सरकार को यहाँ चलाती रहेगी। बहरहाल राज्यसभा के लिए यहाँ से दिग्विजय सिंह के सीट खाली होने के बाद प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दो लोगों की खास स्थिति हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर क्रॉस वोटिंग होने की भी संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ दूसरे दलों के पास भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। और देखिए बीजेपी के पास 109 है और अगर 58 लोगों की चाहिए उन्हें स्ट्रेंथ, तो क्रॉस वोटिंग से बीजेपी यहाँ दो सीटें भी जीत सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होने जा रहा है। और इसके अलावा अगर प्रियंका गांधी की दोस्तों बात करें तो प्रियंका गांधी को उच्च सदन में लाए जाने के पीछे एक पार्टी की पॉलिटिक्स ये भी है कि चूंकि अब गांधी परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें एसपीजी सुरक्षा नहीं रही है, जैसे कि आपको पता ही है कि एसपीजी सुरक्षा का मानदंड बदल दिया गया है और वो सिर्फ उस सिक्योरिटी के अंतर्गत केवल प्राइम मिनिस्टर ही कवर होते हैं। अब उस तरह के नॉर्म्स चेंज किए गए हैं, इस बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कि क्या नॉर्म्स चेंज हुए हैं। लेकिन 1997 से दिल्ली के लोधी स्टेट स्थित इलाके में एक बंगले में प्रियंका गांधी वाड्रा और उनकी फैमिली रहती है, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ये लोग रहते हैं। और अब चूंकि वो किसी सदन की अगर सदस्य नहीं होंगी तो उनके लिए उस स्थान पर बने रहना, उस बंगले में बने रहना और हाई सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी को मेंटेन करे रखना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा में मनोनीत कराया जाए। बहरहाल यही सवाल होगा कि वो राजस्थान को चूज़ करेंगी या मध्य प्रदेश को चूज़ करेंगी। और मध्य प्रदेश की अगर बात करूँ तो ये देखने वाला सवाल होगा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमलनाथ राज्यसभा में जाने देंगे या नहीं अपने स्टेट से। और इसके अलावा आरपीएन सिंह और रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस कैसे एडजस्ट करती है। राज्यसभा के चुनावों के जो सिलसिला चल रहा है इस पूरे साल, हम कई वीडियो ला चुके हैं, ये 5वां वीडियो है, आप देखते रहिए अपडेट्स के लिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।